बेटा अब आप लोगों का ये एग्जांपल नंबर 10 था, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो यहां पे बात कुछ तो एक आइसोसेलस ट्रायंगल की हुई है, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, इसका बेस फिक्स्ड है, ये कुछ इक्वल साइड जो थे उसके, ये इनकी लेंथ डिक्रीज हुए जा रही है। अभी के लिए इनकी लेंथ को x मान लूं क्या? हाँ, तो मुझे बेसिकली dx by dt की वैल्यू -3 सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है, यहाँ तक ठीक है। आगे मुझे बोला ये गया है, बताओ इसका एरिया किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, जब तक वाला उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है ना? तो देखो, तो अभी मैंने क्या किया, पहले इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालना ही एक कैच है, ये पहले अभी के लिए दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूँ, इससे गंदगी ना हो। बेटा एक्स एक्स ये पूरा पूरा बी था, बेटा अगर ये आइसोसेलस है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये बी बाई टू हो जाएगा। फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो उस कारण से ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई टू का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। अगर आपको एलसीएम एलसीएम लेते तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर, वो फोर बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, क्या तक ठीक है? देख पूरा बी था बेटा, आइसोसेलस का तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करती है तो आधा आधा बढ़ता है वो, फिर बी बाई टू हो गया है। मैंने ये लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल के अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ठीक है। किसी को इन चीजों में इशू है एरिया कितना हो जाएगा उस कारण से, हो गया जब भी नहीं होगा इसको ए ही मान लेते हैं, ये मेरा एरिया हो गया। उसने मुझसे डी ए बाई डी टी की वैल्यू पूछी है, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, डी बाई डी टी ऑफ वन बाई फोर बी अंडर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन बाई फोर बी तो बाहर निकल गया, इसको अभी के लिए टी माना, रूट टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन बाय टू रूट टी, और जो टी था उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एट एक्स, ये कट गया, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई डी टी मिलेगा, सॉरी मैं बात एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था, ये पर ये टी कैसे मांगा गया, ठीक है? तो देखो ये हो गया बी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस थ्री, तो मेरा आंसर आ गया माइनस थ्री बी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई भी इशू है क्या ना? हाँ देखो, मुझे उसने सिर्फ ये नहीं मांगा था, क्या हो रहा है यार, उसने मुझसे डी ए बाई डी टी नहीं मांगा था सिर्फ, उसका ये भी मांगा था डी ए बाई डी टी बताओ जब मेरा ये साइड इसके बराबर हो जाए, बेस के बराबर हो जाए, ये तो मेरा डी ए बाई डी टी आया। अब मैं डी ए बाई डी टी जब मेरा एक्स बी के बराबर हो गया, तो ये एक्स जगह पे बी डाला, द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर हो गया माइनस थ्री बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री बी स्क्वायर, बाहर निकलेगा वो बी स्क्वायर का ये बी रूट थ्री, ये कटा इससे वो काटोगे तो माइनस रूट थ्री बी बचेगा। अब डी ए बाई डी टी था तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। अब एक बार पूरा वापस से प्लीज थोड़ा ध्यान दो और समझो क्या पूछा गया है, उस चीज को समझो अच्छे से प्लीज। आप लोगों को इसने एक आइसोसेलस ट्रायंगल दिया था, उसने था बेस फिक्स्ड है, बट मेरा जो इक्वल साइड है उसका लेंथ घटे जा रहा है, किस रेट पे घट रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू माइनस थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड दी गई थी। तो ठीक है, मुझे अब इसका एरिया निकालना था। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो रूट थ्री बाई फोर साइड पर होता है, आइसोसेलस का मैंने फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है, जो लोग रटते हैं तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है, पता नहीं क्या, छोड़ो ठीक है।
तब देखो ये एक्स एक्स ये बी, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा मैंने इसके अंदर में, तो बी बाई टू, बी बाई टू हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो उससे हाइट निकाला, फिर हाफ बेस इंटू हाइट। बेटा बेस याद से पूरा पूरा बी लेना, बी बाई टू मत ले लेना। हाफ तो हाफ है, ये देखो बेस पूरा पूरा बी और हाइट देखो हाफ अंडर रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एरिया मेरा ये बन गया है, फॉर्मूला बनता है 1/4 बी अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। पर वो याद मत रखो, निकाल लेना। ये हुआ आपने को डी ए बाई डी टी निकालना था, वो निकाला तो आंसर माइनस 3 BX अपॉन अंडर रूट ऑफ 4X स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। और मुझे कब की वैल्यू के लिए निकालना था, जब मेरा एक्स बी के बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हर एक्स जगह पे बी डाला तो मेरा आंसर माइनस रूट 3 B आया। अब वो डी ए बाई डी टी था, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हुआ है। समझा ये चीज़ बेटा? ये प्लीज़ एक बार ये क्वेश्चन ख़त्म कर लो आप लोग। सुन, वो चीज़ें जो थी ना अपनी, वो अपन ना वहाँ पे करते जब मिनिमा या मैक्सिमा चाहिए, ये वो चीज़ नहीं है। हाँ वो गलत आ रहा होगा उससे आंसर तेरा पूरा, वो गलती से आया बेटा, वैसा मत कर। हाँ बच्चा दूसरे साइड से करेंगे ना आज, या थोड़ी पागल है क्या? कल भी नहीं होगी वो तो बेटा। घर पे फ़ोन लगाओगे ऐसी तबीयत फिर से ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया इसका। हाँ स्लिप हो गया सेकंड फ्लोर से नीचे, बोलूँ क्या? मैंने लाहौटी को इवनिंग सेशन से निकाल दिया, पता है क्या? देखो आ नहीं रहा हो ऐसा नहीं है, तो निकाल दिया। तो उसमें को मैसेज आया था कल, मैंने मना कर दिया था उसको कि जोकर जैसी हरकतें करनी तो घर पर बैठे कर, मेरे सामने मत किया कर। तेरे को भी निकाल सकता हूँ बेटा मैं, तू कोई मेरे से बहुत ज़्यादा प्यारा नहीं है और मेरे को कोई लाहौटी से नफरत नहीं है। हाँ बच्चा यस, कौन सा बताओ बेटा? एरिया वाला बताओ निकालना। देख तेरा बेस बी था, ये एक्स एक्स था, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आधा आधा बी बाई टू गया। ये 90 degree है मेरे लिए, पाइथागोरस से लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला हाइट स्क्वायर प्लस बी बाई टू का स्क्वायर रहेगा। तो हाइट स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई टू का स्क्वायर, फिर वो अंडर रूट लूँगा तो यही आ जाएगा मेरा। तो वो उससे मेरी ये हाइट देख, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई टू का स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। एलसीएम दिया तो 4x² माइनस बी स्क्वायर द होल बाई फोर, और डिनोमेटर के 4 का अंडर रूट दिया तो बाहर निकले तो 1/2 आ गया। तो वो हाइट बन जाता, फिर हाफ बेस इंटू हाइट।
ओके बेटा, सूजन हो गया, बताऊंगा अपने घर में। हो गया, अमन हो जाएगा तो बताना। अपना आई थिंक 11 12th हो गया था कल। अब गाइस एग्जांपल नंबर 14 पे आ जाओ एक बार, पहले 13 की जगह एक बार ये देखो। क्या दिया गया यहां पे, आपको कुछ तो भी ट्राजेक्टरी दी गई है, 6y = x³ + 2, ठीक है। तो ये जो भी पाथ बन रहा है वो पार्टिकल घूम रहा है, एंड एक वो समझो गूगल मैप जैसा बन गया है इसका, ठीक है। फाइंड द पॉइंट यहां पे जब y का कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज x का कोऑर्डिनेट, मतलब चेन ऑफ y इज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 8 times चेंज ऑफ x का, समझाई चीज। तो तुम लोगों को पहले dy/dt इज 8 times dx/dt ये चीज़ निकालनी थी तुम लोगों को। यहाँ तक किसी को कोई भी इशू है क्या, कहाँ पे समझ गया, फाइंड द पॉइंट जब यहाँ। अब देखो पहले तो ये यहाँ से ना मैं y की वैल्यू निकाल देता हूँ, y इज x³/6 + 2/6 है कि ये हो गया। अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dt t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, तो जाएगा 3x² / 6 dx/dt, करेक्ट यहाँ तक है। अब मेरे dy/dt की वैल्यू क्या थी, 8 times dx/dt थी, ये चीज़ समझिए बच्चा। देखो देख चेंज ऑफ y इज 8 times चेंज ऑफ x, तो चेंज तो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है तेरा, समझा था क्या ना। अब देख तो तूने ये तो इक्वेशन तेरे को मिल गई, अब यहाँ पे तूने नहीं भी करना है, मत कर छोड़। 6dy/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt हो जाएगा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये 1 था ये 2 था, dy/dt की वैल्यू 8dx/dt थी, तो ये 2 तो वैसे ही रख दिया, ये 8dx/dt इज x² dx/dt, ये dx/dt कट गया, x² के लिए 16 आ गई, तो x की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या फिर -4। अब अगर x की वैल्यू 4 है तो तेरी y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेगा तू, तो वो तेरे कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और अगर x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू निकाल लेगा, वो तेरा दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा। गाइस ये थोड़ा क्विकली करना एग्जांपल 14। इतना मुझे देख के समझ में आ रहा है, यानी आप लोगों की स्पीड नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैंने ओवर एस्टिमेट किया था कि अपन शायद से आज वो भी शुरू कर ले, हाईली लाइकली आज अपन नया शुरू नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ भी एक्सप्लेनेशन भी, यू डोंट हैव टू रश, 9:45 तक का सेशन रहेगा आप लोगों का।
सूजन हो जाएगा तो बोलना था। एनीवन स्टिल सॉल्विंग कर रहा है? गाइस कमिंग ओवर टू 13th एग्जाम्पल, एक बार 13th एग्जाम्पल पढ़िए। फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग पेट्रोल एंड केप्ट वर्टिकल। देखो बेटा वर्टिकल का मतलब पहले ही समझ लो, उसका मतलब ये ऐसा ही रखा हुआ है, आप ये मत सोचना ऐसा रखा हुआ है। द पेट्रोल इज लीकिंग एट 10 cm³/s। यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, dV/dt की वैल्यू -10 है, माइनस क्यों, ये कम हो जा रहा था cm³/s। मुझे रेडियस दिया गया हुआ है, हाइट पूरे ड्रम का दिया गया है, फाइंड द रेट एट विच, क्या दिया हुआ है बेटा उसमें आगे, द लेवल ऑफ पेट्रोल इज चेंजिंग व्हेन द पेट्रोल लेवल इज एट 80 cm। तो देखो ये आई थिंक सो ना, पिछली बार जब मैं पहले बता रहा था तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, अपने एच की वैल्यू 1 m 80 cm को डाल दिए थे। देखो यहाँ पे मेरा रेडियस इतना दिया गया, पहले मैं चाहता हूँ क्या वो चेंज हो रहा है क्या कभी भी, तो वो कॉन्स्टेंट ही है। ये हाइट मेरी चेंज हुआ जा रही है 1 m, फिर कम 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 कम, मुझे उसने वही पूछा है किस रेट पे वो कम हुए जा रहा है बताओ। देखो मेरे को dH/dt की वैल्यू आने नेगेटिव वाली है अपने आप, मुझे नेगेटिव नहीं डालना पड़ेगा, वो अपने आप आएगी, मेरे को यहाँ पे खुद से डालना पड़ रहा है dV/dt यानी माइनस कितनी है वॉल्यूम चेंज, -10 ना cm³/s। देखो अभी के लिए मैंने इसके हाइट को h मान लिया है, तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π r² h होता है, नहीं हाइट टोटल ड्रम की थी, बट चेंज हो जा रही है ना बच्चा, यहाँ पे रेडियस चेंज है, मैं रेडियस की वैल्यू डालने वाला हूँ, ठीक है। पाए को पाए रखा है मैंने, dV/dt ऑफ रेडियस मेरा कितना था 25 था, 25 का स्क्वायर h इज इक्वल टू -10, तो 625 π dH/dt इज -10, ठीक है, तो dH/dt की वैल्यू -10/625 π, ये 2 था, ये 125 था। अब देखो हाइट था तो cm/s हो जाएगा मेरा, अब इसने मेरे को क्या बोला था बताओ, किस रेट पर हाइट चेंज हो रही है, जब मेरा हाइट कितना हो चुका था 80 cm हो चुका था, ये वाले इसमें h कहीं आया ही नहीं, तो इसी रेट पे वो चेंज हो रहा है, वो 30 cm पे भी पूछता तो भी इसी रेट पे मेरा हाइट कम होने वाला था, समझा जी क्या हुई है, अमन तू ध्यान दे, तेरा ध्यान नहीं है, तेरा एक भी आंसर कंप्लीट नहीं, मेरे को ये भी पता है, मैं देख नहीं रहा तेरी कॉपी, मेरे को पता है तेरा एक भी आंसर कंप्लीट नहीं है अभी तक का, यहाँ तक समझा क्या हुआ है, पक्का यही क्वेश्चन था, यहाँ पे h आया ही नहीं dH/dt के फाइनल आंसर के अंदर, इसलिए मैं h की वैल्यू 80 cm या जो भी पूछी गई थी डाल नहीं पाया, और जो डाउट ये आ रहा है ना वो सर h की वैल्यू दी गई है बेटा, वो चेंज हुए जा रही है, इसलिए मैं उसको 1 m या 100 cm सर डाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13th, ठीक है, एक समझ जाओ, अब ये लास्ट वाले पास 18th वाले बेटा देख ली, ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा ज़्यादा भारी है बट उसके आसपास का है। देखो वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ, ये चलो ठीक है dV/dt तो मुझे मिल गया है -5 cm³/s। रेडियस ऑफ द बेस ये 10 था और इसका हाइट 20 था। अब देखो सब चीज़ें बाद में गुआ, यहाँ पे बच्चा क्या हो रहा है तो इसी नोटिस में रहेगा, जब लीकेज होगा तो अब रेडियस भी चेंज होगा हाइट भी चेंज हो जाएगा, जैसे आप देखें यहाँ पे नाउ योर रेडियस इज समथिंग न्यू एंड हाइट इज समथिंग न्यू, तो जब तू वॉल्यूम का फॉर्मूला डालेगा भी तो यू कैन नॉट कीप वॉल्यूम के इसमें रेडियस 10 ही रहने वाला है तो 10 डाल दूँ मैं, वैसा नहीं चलेगा यहाँ पे। तो एक बार के लिए मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन पता नहीं है बट जस्ट मैं आपको बताता हूँ, मुझे रेडियस आई थिंक 10 यहाँ का दिया गया है और हाइट कितनी दी गई है 20, ठीक है, मान लो कम होते होते यहाँ तक के पहुँच जाएगा, ठीक है।
अभी के लिए इसको x बोल रहा हूँ, इसको y बोल रहा हूँ मैं, ये a b c, ये p और q, क्या मेरे को ये पता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू सी के? हाँ ये पता ही चीज़ आप लोगों को, सिमिलरिटी कुछ होती थी। अब सी पी एस टी से ए बी बाय पी क्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ए सी बाय पी सी, ए बी की वैल्यू 10 है, पी क्यू क्यू वैल्यू x है, ए सी की वैल्यू 20 है, पी सी की वैल्यू y है। तो देखो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अभी y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा मेरे लिए। हाँ तो कोई भी मोमेंट पे मेरा इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन पाए आर स्क्वायर एच होता है, पाए मेरा रेडियस यहाँ पे x था तो एक्स स्क्वायर और हाइट मेरा y था, तो ये 2x मतलब 2 पाए एक्स क्यूब होगा। हाँ देखो एक बात, ओ माय बैड सॉरी सॉरी 1/3 पाए आर स्क्वायर, सो सॉरी, ठीक है, तो 2/3 पाए एक्स क्यूब होगा बेटा वॉल्यूम, समझे यहाँ पे ये कैसे आया है पक्का? देखो मेरे को याद अच्छे से, लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, ये बताते बताते गलती से ना मैंने बेवकूफ़ी में क्या किया था, उसने बताया फाइंड क्या ड्रॉप होता रहेगा जब वो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप रहेगा, तो मतलब 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप मतलब ये 15 सेंटीमीटर रहेगा, और मैंने इसका वैल्यू निकाल दिया था। नहीं, आप वैल्यू लेके करोगे आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएट करोगे जीरो हो जाएगा वो, वैसे नहीं आप लोगों को पहले वेरिएबल में रखा, इसने आर एच लिखा है, मैंने गलती से एक्स वाई लिया, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा उससे, मेरा वॉल्यूम ये आ गया। मुझे डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी गई थी बेटा, सॉरी -5 पापी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मुझे हाइट का चेंज ढूंढना है, क्या का चेंज ढूंढना है, मुझे डी वाई बाई डी टी पूछा गया है। तो देखो मेरा सजेशन ये है, डी वाई बाई डी टी पूछा था, एक्स जगह वाई के टर्म्स में आना बेटर रहेगा, ठीक है। चलो अपन थोड़ा चेंज कर दे इस चीज़ को भी, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई बाई टू हुआ है, तो मेरा वॉल्यूम अभी हो जाएगा 1/3 पाए वाई बाई टू का स्क्वायर इन टू वाई, मतलब 1/3 पाए वाई स्क्वायर बाई 4y, तो वॉल्यूम मेरा बेसिकली पाए वाई क्यूब बाई 12 चल रहा है, ठीक है ना। अब मैंने किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट, तो हो जाएगा 3 पाए वाई स्क्वायर बाई 12 इन टू डी वाई बाई डी टी, यहाँ तक है ठीक है, ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा, जाएगा पाए वाई स्क्वायर बाई 4, डी वाई बाई डी टी का मतलब कितना हो जाएगा मेरे को दिया हुआ है, एक जो बस 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 ठीक है ये हो गया, एक सेकेंड। अब मैंने को डी वी बाई डी टी -5 दिया गया था, तो -5 यदि कुछ पाए वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई बाई डी टी, तो -20 बाई पाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी आ चुका है। इस रेट से मेरा लेवल चेंज हुआ जा रहा था। अब उसने पूछा था बताओ जब मेरा ऊपर से 5 कम हो चुका होगा, मतलब मेरे वाई की वैल्यू 15 बचेगी, तब किस रेट से चेंज हो रहा होगा, तो वाई की वैल्यू 15 डाल के देख लिया मैंने, तो वो जाएगा -20 बाय पाए 15 का स्क्वायर डी वाई बाय डी टी, ये 3 था ये 4 था, तो आंसर हो गया -4/45 पाए, और हाइट था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख लो ये आंसर दिया हुआ है क्या, एक और बार समझो बच्चा क्वेश्चन को प्लीज। देखो तुम लोगों को पहले तो सिमिलैरिटी से एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना, ठीक है, वो वाई थी को 2x आया, तुमको ये समझा मैंने क्यू वाई के टर्म से रखा फंक्शन को, डी वाई बाई डी एच बाई डी टी मांगा था उसने मुझसे, तो ये एक्स इज वाई बाई टू, वॉल्यूम का फंक्शन मैंने कहा पाई वाई क्यूब बाई 12, डिफ्रेंशिएट किया दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा आया ख्याल से डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -20 बाई पाई वाई स्क्वायर। फिर मुझे पूछा था ये रेट कितना रहेगा जब हाइट ऊपर से 5 कम हो चुकी होगी, मतलब बचेगी कितनी हाइट, नीचे से देखूंगा तो 15 बचेगी मेरी हाइट, तो खत्म, जैसे 15 बचे तो वाई के लिए 15 डाला, आंसर निकाल दिया। तो गाइस अभी आप लोग ये दोनों करोगे, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तुम लोगों को कोई क्वेरीज आएगा तो पूछना, ये क्वेश्चन ईजी था, कहाँ गया अपना 13th वाला, तो 13th एंड 18th आप लोग क्विकली करोगे। हाँ वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग मतलब हाइट का ऑर्डर करो। हाँ बच्चा सॉल्यूशन में डाउट था अभी जो कराया 18th वाला क्वेश्चन, बोल बेटा वो -20 बाय पाई पाई वाई स्क्वायर जो है इक्वल्स टू डीवाई बाय डीटी कैसे लिखा आपने? बेटा मैंने सिर्फ एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये नीचे भेज दिया ये ऊपर भेज दिया, ये वैसा का वैसा ही है।
सर, और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हाइट चेंज नहीं हो रही है ना, सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है, और इसमें हाइट और रेडियस दोनों साथ पिछले साथ। इसमें रेडियस चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ हाइट चेंज हो रहा था बेटा। अच्छा ठीक है सर। ए पी नहीं बच्चा, देखो नाम से देखते था, मतलब सिमिलैरिटी तो ये देख, ए सी बाई पी सी, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू सी। बी सी और क्यू सी का मतलब ही नहीं आ रहा उसके अंदर। क्या बच्चा 20 पूरी दी हुई थी?
वाई के लिए 15 डाल दिया था, इसने टॉप से 5 कम बोला था। पूरे हाइट को नहीं, जो मैंने सोचा कि यहाँ तक के पानी आ चुका है, तब ये जो कोन बन रहा है उसके लिए ये हाइट वाई हो रही है, रेडियस एक्स हो रहा है। क्या 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 रेडियस ये 10 था, पर ये जब नीचे आएगा ये 10 नहीं बचा ज़रा, रेट एट विच हाइट इज डिक्रीजिंग। हाँ पर उसमें रेडियस भी चेंज हो रहा है, तो मेरे को रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशन निकालने के लिए सिमिलैरिटी यूज़ करना पड़ा, क्योंकि मैं दो वेरिएबल नहीं रख सकता हूँ डिफरेंशिएशन के समय पर। पूरी हाइट 20 दी हुई है ना मेरे को, तो सूजन हो गया बेटा, देखते को डीवी बाई डी टी माइनस फाइव दिया हुआ था तो कोई पता है, बची हुई वैल्यूज तो पाई बाई फोर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी टी है, इधर देखकर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब उसने बोला है कि क्या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट है, डी वाई बाई डी टी कितना रहेगा जब ऊपर से 5 नीचे तू आ चुकी है, मैंने बची कुछ ही वाई की वैल्यू थी तेरे, टोटल 20 था, 5 नीचे आ गए तो वाई के लिए 15 बची है, खत्म। दिव्य तो वो समझ में आ रहा है क्या, वहाँ बोल रहा है। अब गाइस ये तीन क्वेश्चन जो है, ये तीन क्वेश्चन सिंपल से ही है, ठीक है, 15, 16 एंड 17। पहले 15 वाला मन में पढ़ लो आप लोग, देखो एक लैडर दी गई है मुझे, वॉल के अगेंस्ट लीनिंग है, ये मान लो वॉल है, ये ग्राउंड है, ये कोई लैडर थी, ये लैडर की मुझे लेंथ दी गई थी, कितनी दी गई है 13, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको x और इसको y मान रहा हूँ, x और y के बीच में रिलेशन मेरे को मिल गया फट से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। अभी एक बार देखते अपन x निकाले कि y निकाले, पहले मुझे बताओ उसने शायद से ये दिया कि इसको किस रेट से मैं पुल किए जा रहा हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड ना, तो देखो मेरे को तो y बढ़ेगा या घटेगा, अमन ध्यान दे, y बढ़ेगा तो मेरा डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मुझसे वो पूछ रहा है कि अब x किस रेट से घटने वाला है, मुझसे मतलब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पूछ रहे हो, मैंने पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टी, मुझे तो वैसे डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा आंसर, तुमको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, देखना अपने आप नेगेटिव आएगा, तुमको आंसर में नेगेटिव डालना नहीं पड़ेगा, तुमने डिफ्रेंशिएट किया तो 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टी, 2 तो 2 है, x तो x है, मेरा डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पता नहीं है मुझे, 2 तो 2 है, y तो y है, dy बाई डी टी की कितनी दी गई मुझे 2, 0, एक 2 कॉमन ले कट चुका है, मुझे कुछ और भी दिया गया, जब ये इतना हो गया, जब ये 5 मीटर दूर है वॉल से, तो इम्प्लाइज जब ये 5 मीटर दूर है, y के लिए 5 हो रही है, तो x की वैल्यू तो 12 हो जाएगी, यहाँ डालोगे तो आप लोग, ये समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, तो तुमने वो वैल्यूज डाल दिए, तो ये हो गई 12 डी एक्स बाई डी टी प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 12 डी एक्स बाई डी टी प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी -10/12, तो -5/6 मीटर पर सेकेंड, देखो अपने आप नेगेटिव में आया, समझे ये चीज़ क्या हुई है,
पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है? ये हो गया बेटा तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 15। अब 16 पढ़ लो एक बार मन में। मैं इसका डायग्राम ऐसा यूज नहीं करने लगा, मैं खुद का बनाऊंगा, ठीक है ना? देखो, अ मैन 2 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ, जो भी है स्पीड दी गई है, ठीक है ना, टूवर्ड्स द स्ट्रीट लाइट विच इज 5 1/3 मीटर लॉन्ग। तो देखो, मेरी ये स्ट्रीट लाइट है, 5 1/3 बोला था ना, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, 16 by 3 meters की है हाइट लाइट की। ये एक बंदा है कोई तो भी यहाँ पे खड़ा है मान लो, इसी कितनी हाइट दी गई थी 2 मीटर, ये भी कॉन्स्टेंट रहने वाली है मेरी, फाइन। कुछ अभी शेडो वाडो की बात हो रही थी, तो ये अभी के लिए ऐसा होना है, ये लेंथ ऑफ शेडो हो जाएगा बेटा। हाँ, अभी के लिए इसको एक्स बोल रहा हूँ, इसको मैं वाई बोल रहा हूँ। अब देखो, ये बंदा इधर जा रहा है, तो मेरा वाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, क्या स्पीड दी गई थी, 1 2/3 है, 5/3 meter per second। अब देखो, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बिना लॉजिक के सोच के बताओ, एक्स बढ़ेगा या घटेगा? मेरे को नहीं पता जनरली, तुम्हारे हिसाब से बढ़ेगा ना, मेरे हिसाब से घटने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट रियली श्योर, फिजिक्स टीचर होने का भी मेरे को इतना पता नहीं है, मैथ्स के ऊपर छोड़ देते अपन लोग, ठीक है ना? तो चलो, पहले तो अपन एक्स और वाई के में रिलेशन निकालते हैं, फाइन। तो देखो, ये कुछ भी ए बी सी पी क्यू, तो मैंने बोला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू सी से, तो मेरा ए बी बाई पी क्यू इज गोइंग टू बी बी सी बाई क्यू सी के बराबर। ए बी की वैल्यू थी 16/3 अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू बी सी इज एक्स प्लस वाई अपॉन क्यू सी इज एक्स, तो ये 8x इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, 5x इज इक्वल टू 3y। मुझे बताओ, फाइंड, अपने को dy वाई बाई डी टी दिया गया हुआ है, अपने को dx बाई डी टी चाहिए, तो y को एलिमिनेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो 5x बाई 3 इज इक्वल टू y, सॉर्ट ऑफ यहाँ देखे, ठीक है? अब देखो, मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट अगर किया, तो 5/3 dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी हो गया है मेरा, 5/3 डी एक्स बाई डी टी इज डी वाई बाई डी टी के लिए -5/3 थी, डी एक्स बाई डी टी के लिए -1 meter per second आ गया, कम हो रहा है। तुम लोगों ने कम होगा बोले थे, बढ़ाएगा बोले थे, बढ़ेगा बोले थे, और कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स अपने आप ला के थे तुम लोगों को, आई होप वही आंसर है उसका, -1 meter per second। समझाई चीज़ क्या हुई है भाई, समझ रहा है ना अमन, तेरे को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में? तो तेरे को मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि तो समझ में आया कि नहीं आया, तुम पूछ लिया करना खुद से। ये वाला समझा था कि तू मेरे को, ये अभी भी प्रोसेसर चल रहा है तेरा, तेरे को कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है क्लास में मेरे भाई? नहीं तो तू वेस्ट कर रहा है अपना टाइम, क्योंकि तू घर जाके फिर से पढ़ता नहीं है ना, तू वीडियो देखता है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, तुम्हारा अभी क्या डेट चल रहा है, अभी अक्टूबर मैंने कल से नवंबर है, तुम्हारी बोर्ड मान लो 1 मार्च को भी है बेटा, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पकड़ ले 30 दिन के दिन है, तो तेरे पास 120 दिन बचे हुए सिर्फ। मुझे तेरे बचे सब्जेक्ट का कोई हाल नहीं पता है, अपन मान लेते देखो बचे सब सब्जेक्ट का 100 और 100 है मान के, देखो मेरे को छूना नहीं है, तो अगर ये अप्रोच रखेगा तेरा 120 दिन में भी तेरे को मार्क्स नहीं होने वाला है, अगर तो सिर्फ मैथ्स कर रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है थियोरेटिकली, क्योंकि तेरे को 100 और 100 हो भी अगर तो भी तेरे को बच्चे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेगा। दूसरी बात, तुम्हारे पेपर्स अप्रॉक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग फरवरी 22-23 को पहला पेपर रहेगा, जो फुद्दू पेपर रहता है जितना मुझे लास्ट ईयर का देखा था, फिर तुम्हारे को 4-5-6 दिन की छुट्टी रहती है, और एक आधा मान लो अकाउंट्स आ जाता है, ऐसा कुछ होता है मेजरली, या फिर डायरेक्टली 10 दिन की छुट्टी देकर मैथ्स देते हैं,
अगर तेरे दिमाग में ये 10 दिन की छुट्टी में तो मैं फोड़ दूंगा, नहीं फोड़ सकता कोई भी यार 10 दिन की छुट्टियों में, क्या है? वो अच्छी रहने 113 दिन 120 दिन जो भी है ना, 1 मार्च के लेके 113 दिन वही हम यानी वैसे वो एग्जैक्ट 22 फेब को होगा क्या वो पता नहीं है, जो भी तू यार वीडियो देख वापस से या जो करना है करते, को समझ में ही नहीं अगर आ रहा है मैं तो वापस समझाऊंगा, देखो कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, देखो ये ही नहीं अभी तक ये पता है उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है मेरे को, वो मैं सिमिलैरिटी क्या लगा रहा हूँ, वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, वो डी एक्स बाई डी टी क्यों हो रहा है, वो डिफ्रेंसिएशन में भी समझ गया हो तेरे को क्या होता है डिफ्रेंशिएट करना, बट वो क्या एप्लीकेशन है तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई। लकीली जो कल मैं शुरू करूँगा वो इससे कनेक्टेड नहीं रहेगा, पर तेरा प्रॉब्लम ये होगा मैंने ये तेरे को बोल दिया, अब तू ये जाके देखने नहीं वाला वीडियो, तू मेरे को अभी हाँ बोलने वाला है बट तू जाके देखने नहीं वाला है, शर्त लगाएगा लगाएगा शर्त, चलो शर्त, अगर तूने देख लिया तो मैं 5 किलो चिकन तंदूरी तेरे को गिफ्ट करूँगा टोटल मिला के, तेरे को जब जब खाना तेरी कसम, तूने अगर ये दोनों पूरे को देख के आया ढंग से करके आया तेरे को कल तक, अरे कल शाम तक, शाम मैंने 8:30 बजे के सेशन देखे सारे एग्जाम्पल 18-19 जो मैं करवा रहा हूँ देख के, नहीं ऐसे वो मूवी समझ नहीं, हाँ बिना देखे नहीं बोल रहा मैं तेरे पूरा समझ का है, मैं तेरे को टेस्ट भी नहीं लेने वाला हूँ, तूने बोला हाँ सर मुझे समझ गया, मैं तेरे को 5 किलो चिकन तंदूरी देने वैसे एक इसमें 200 ग्राम आता है, तेरी जब इच्छा होगी मेरे को कॉल करना मैं तेरे को ऑर्डर कर दूँगा, वैसे देखा जाते 5 किलो ख़त्म नहीं होता है कोटा अपना तब तक, मैं तेरे को जब तू बोले मैं तेरे को ऑर्डर करूँगा, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रही थी, और तू जहाँ से बोलेगा क्योंकि मेरे को पता है तू मेरे को झूठ नहीं बोलेगा बैठ के अब उसमें भी, क्योंकि तू मेरे को झूठ बोलेगा तो फिर तू आके मेरे से डाउट पूछ ही नहीं पाएगा, देखो 5 किलो चिकन तंदूरी से ज़्यादा देखो इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। चलो अभी ये समझा आप लोगों को, हाँ अभी से बाद में एक लास्ट, हाँ बेटा बोल, देखो पीछे चिकन तंदूरी वो वाई और एक्स का बता दो एक बार एक्सप्लेनेशन, वाई और एक्सप्लेनेशन में समझा नहीं क्या बोल रही है तू बेटा, वाई जो है वो लेंथ ऑफ शैडो है ना, और नहीं नहीं बेटा नहीं 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 ये मेरा बंदा है वो इधर चल रहा है उसकी शैडो ये है, लाइट यहाँ पे तो पूरा आ रही होगी ना, लाइट यहाँ पे नहीं आ पा रही थी इसलिए वो शैडो है, ये जो वाई है वो डिस्टेंस है बिटवीन द मैन एंड द लैम्प, ठीक है सर। गाइस शांति, इसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, एक बार 17 एग्जांपल मन में पढ़ो, बेटा प्लीज बातें नहीं, देखो अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 151.5 मीटर इफ द स्पीड ऑफ द काइट क्या लिया है एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड अगर उसकी है तो बताओ कितना फास्ट उसका मांझा निकल रहा है इफ इट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट। अब सुनो पहले तो मुझे 250 मीटर क्या है ना, मेरे को उस दिन भी कंफ्यूज होता आज भी कंफ्यूज हुआ एक जगह, हाँ एल, हाँ अब देखो बेस और बंदे की हाइट से 1.5 मीटर दी गई है तो बेसिकली हुआ ये है, ये ग्राउंड है यहाँ पे एक 1.5 मीटर टॉल बच्चा था वो काइट उड़ा रहा था, ये काइट की कांस्टेंट हाइट 151.5 थी, ये अगर मैंने ऐसा ज्वाइन कर लिया ये 150 मीटर फ्रॉम ये बंदे का हाथ पकड़ लो, ठीक है अब तुमको ये दिया गया अभी के लिए इसको एक्स मान लूँ क्या मैं, इसको वाई मान लूँ मैं, हाँ मुझे एक रिलेशन तो ये पता है एक्स स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर यानी 225 00 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इनके पीछे रिलेशन है। दूसरा मुझे ये दिया गया हॉरिजॉन्टली उसकी लेंथ यानी ये जो ऐसा मूव हो रहा है यानी डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ एक्स बढ़ेगा या घटेगा, ये इधर अगर जाएगी तो एक्स बढ़ते रहेगा या घटते रहेगा, बढ़ेगा तो कितना दिया गया है वो हॉरिजॉन्टल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। मुझे पूछा गया है कि ये रस्सी कितने स्पीड से निकल रही है, मतलब मुझसे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू मांगी गई है, मैंने पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 0 इज इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी टी, 2 कट गया यहाँ तक के ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है जब रस्सी कितने दूरी पे है
अच्छा वो काइट कितने दूर है, 250 दूरी पे है, तो मेरे वाई की वैल्यू अगर 250 हो जाएगी, बापरे बापरे बापरे, अच्छा ये 150 ना, ये 250, तो मेरे एक्स की वैल्यू 200 मीटर आ जाएगी अब पाइथागोरस जब लगाओगे। अब तुमको पता है मैंने इतना क्विकली कैसे किया 200, मैंने आंसर देखा हुआ नहीं था, गेस करो मैंने कैसे किया, मेरे को ये 150 पता था, ये 250 पता था, मैंने ये 200 कैसे लाया क्विकली, नहीं माइनस पक गई। देखो तुम लोगों को ट्रिपलेट 3 4 5 वाला पता है, हाँ एक नहीं 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 3 4 5 वाला। अब तुमने अगर इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर भी 5 से मल्टीप्लाई करके तुम एक ट्रिपलेट बना सकते हो। तो मेरे को ना लकीली क्या हुआ, ये दिखा कि ये 150 है और ये 250 है, तो ये 3 और ये 5 जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये 4 जैसा बिहेव करेगा, यानी ये 3 × 50 था, ये 5 × 50 था, तो ये 4 × 50, तो ये 200। ये सिर्फ तुमको ऐसे ही बता रहा हूँ, नहीं समझा है तो बहुत स्ट्रेस मत उठाओ, मैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के भक से आता हूँ आंसर 200, ठीक है ना। ये तो सिर्फ मैं इतना बता रहा कि तुम्हारा समय वगैरह बचाना अगर हो तो कैसे बचा सकते हो, और तुमको जैसे ऐसे ही बता रहा हूँ, यानी CBSE की औकात बता रहा हूँ मैं, अपने को जैसे पढ़ाई नहीं थी, समझ में आ जाए तो ठीक है। सो ये IGCSE बोर्ड वाले इसमें का एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा था, तो उसके बुक में ये चीज़ थी, एज यू हैव सीन इन प्रीवियस क्लासेस और दिया हुआ था, तो मुझे नहीं पता उसको नर्सरी में पढ़ा था कब पढ़ा था सब चीज़ें, तो उनकी प्रीवियस क्लासेस था 3 4 5 था बच्चा। तेरे को देखो 5 12 13 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट वगैरह होगा 8th स्टैंडर्ड का, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट तेरे को ये 3 4 5 अगर है ट्रिपलेट, तो तू 3 में भी वही नंबर, 4 में भी वही नंबर, 5 में भी वही नंबर मल्टीप्लाई करके ट्रिपलेट बनता है, वो शायद से तू रियलाइज कर गई होगी 8th या 9th या 10th वगैरह में, या अब भी उन लोगों को वो चीज़ों के बाद में उसकी प्रैक्टिस भी दी जाती है, उनको 2 4 ट्रिपलेट रटवाए जाते हैं और फिर बोला जाता है कि ये बचे हुए तुम इससे बना सकते हो अगर लकी रहे तो, नेवर माइंड। उनको वैसे कैलकुलेटर भी अलाउड है डायरेक्टली, सिंस ये इजी क्वेश्चन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल। अभी स्कूल वाले वो बच्चों ऐसी चीज़ें नहीं देख रहे को पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता कि नहीं आता, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बट यहाँ पे। हाँ अभी देखो तुम्हारे एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई है, अब मैंने वैल्यू डालना शुरू किया, x के 200, dx/dt की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू y की कितनी थी 250 × dy/dt, ये 1 ये कटा, ये 1 जा, ये 8 जा ना शायद से, हाँ तो मेरा आंसर आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। देखो वही आंसर है क्या, समझा, तो इतना फास्ट वो रस्सी या जो भी बोलते हैं मांझा वो निकल रहा है। एक और बार देखो, बच्चे की हाइट 1.5, ये 151.5, तो बेसिकली ये ट्राइंगल जो बन रहा है इसका ये 150 हो चुका है। मेरा एक्स और वाई के में रिलेशन निकालना बड़ा आसान था, dx/dt मुझे दिया गया था, मुझे dy/dt मांगा गया था, तो dy/dt निकालने के लिए डिफरेंशिएट के तो ये आया, बट अब मुझे उसने सिर्फ dy/dt नहीं, उसने मुझे ये भी बोला था, तब बताओ जब ये रस्सी की लेंथ आई थिंक 250 मीटर हो चुकी होगी, तो उन्होंने बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगाया या जो तुमको ट्रिपलेट का एक ट्रिक सिखाया मैंने वो लगाया और एक्स की वैल्यू भी निकाल दिया, एक्स पता है वाई पता है, अपने एक्स जगह पर एक्स डाला, dx/dt की वैल्यू पता थी, वाई की जगह पर वाई डाला, dy/dt मिल गया आप लोगों को। सॉरी वो बेसिकली ये पूरा 151.5 जो था उसमें से 1.5 सब्ट्रैक्ट करके ये ट्राइंगल तेरा 150 का बन रहा है, वो काम है, उसके लिए काम है, ठीक है। गाइस आई विल हैव टू रिक्वेस्ट यू टू डू ऑल दीज 3 क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ एट होम, आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड, ठीक है ना, एंड अ लिटिल लेजी ऑल्सो वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, ये प्लीज़ ज़रा कल अपने घर से करके आ जाइएगा आप लोग, ये होने के बाद यानी ये तो हो ही गया अपना, कल अगर किसी को इसमें डाउट रहेगा तो आई ऑब्वियसली हेल्प यू फर्स्ट, देन विल बी मूविंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज इससे रिलेटेड नहीं है बट ये तीनों क्वेश्चन रैप अप करके आओगे